नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे शरीर को डिटॉक्स की जरूरत क्यों पड़ती है। डिटॉक्स का मतलब होता है विषैले पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालना। जो लोग इस वीडियो का टॉपिक देखकर यह समझे हैं कि मैं डिटॉक्स का कोई ऐसा फॉर्मूला बताऊंगी कि कुछ ही दिनों में सालों पुराना कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, या स्किन ग्लो करने लग जाएगी, या हेयर शाइन करने लग जाएंगे, या 7 दिनों में ही वेट लॉस हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्तों। लेकिन मैं ऐसी 5 जरूरी चीजें बताऊंगी जो आपके डिटॉक्स को करने के कंसेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर देंगी, और यदि लॉन्ग टाइम में आप इनको यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको फर्क मिलने वाला है दोस्तों। यदि आप मेरे वीडियोस शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको यह बात तो समझ में आ गई होगी कि किसी भी चीज को शॉर्टकट में करने से उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं मिलते हैं, और जब बात हेल्थ की हो तो बिल्कुल नहीं। मेरी कोशिश यह रहती है कि मैं आपको यह नहीं बताऊं कि क्या करना है और क्या नहीं, बल्कि मैं ये बताने की कोशिश करती हूँ कि आप जो भी चीज ट्राई करें उसके साइंटिफिक और लॉजिकल रीजनिंग को आप समझ सकें, जिससे आपको खुद पता चल जाए कि आपकी बॉडी के लिए क्या सही है और क्या नहीं। यह वीडियो दोनों तरह के व्यूअर्स के लिए बहुत लाभकारी है, जो पहले से डिटॉक्स ले रहे हैं उनके लिए भी, और जो डिटॉक्स लेने की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए भी, और ऑफ कोर्स जो वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि बॉडी का पुराना कचरा निकालेंगे तभी तो नई शुरुआत होगी। हम डिटॉक्स के टॉपिक को 3 वीडियोस में कवर करेंगे। नंबर 1 कि डिटॉक्स क्या होता है और यह हमें क्यों करना चाहिए। नंबर 2 वीडियो, डिटॉक्स ड्रिंक फॉर समर, और नंबर 3 वीडियो, डिटॉक्स ड्रिंक फॉर विंटर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि डिटॉक्स क्या होता है और डिटॉक्स करने की जरूरत हमारे शरीर को क्यों पड़ती है, और यदि हम डिटॉक्स नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि जो खाना हम खाते हैं वह मुंह से फूड पाइप में जाता है, उसके बाद वह स्टमक में जाता है, और स्टमक में लिवर और गॉल ब्लैडर से निकले हुए जूसेस से वो खाना पच जाता है, और उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये खाने के पोषक तत्व एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो ब्लड में पहुंच जाते हैं, और बचा हुआ वेस्ट जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और उसके बाद वो स्टूल के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ऐसे देखा जाए तो हमारी बॉडी से स्टूल के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में और पसीने के फॉर्म में टॉक्सिन शरीर से निकलते रहते हैं। बट जब बॉडी में टॉक्सिन्स ज्यादा हो जाते हैं तो शरीर को डिटॉक्स करने की जरूरत पड़ती है। अब आप पूछेंगे कि बॉडी में टॉक्सिन्स ज्यादा क्यों हो जाते हैं, तो अब हम इस पे बात करने वाले हैं कि बॉडी में टॉक्सिन्स के ज्यादा होने का कारण क्या है। पोल्यूटेड एयर में सांस लेने के कारण, पोल्यूटेड सॉइल के कारण, वाटर के कारण, और फैटी फूड खाने के कारण, प्रिजर्व फूड, पैकेट फूड, रिफाइंड फूड खाने के कारण हमारे शरीर में अधपचा खाना इकट्ठा होने लगता है, और लिवर जो हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स करता है, वो भी ओवरलोडिंग के कारण अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता है। इससे क्या होता है कि हमारे इंटेस्टाइन की अंदर की लेयर में टॉक्सिन्स इकट्ठे होने लगते हैं और वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में चले जाते हैं, और ब्लड इन टॉक्सिन्स को पूरे शरीर में फैला देता है, जिससे कि शरीर में बहुत सारी बीमारियां खड़ी हो जाती हैं, जैसे कि यदि वो स्किन में गया तो एक्ने हो जाएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में गया तो PCOD, रेस्पिरेटरी में गया तो अस्थमा, और वो किडनी के फंक्शंस को भी बहुत हद तक अल्टर कर देता है, और यदि हार्ट में गया तो हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। यहाँ मैं अब एक जरूरी बात बताना चाहूंगी, हमारे ब्लड का pH लेवल 7.35 से 7.45 के बीच होता है, मींस हमारा ब्लड अल्कलाइन होता है।
लेकिन हमारी बैड हैबिट्स के कारण, एडिक्शन के कारण, ड्रग्स का ज्यादा यूज करने के कारण या हमारी लाइफस्टाइल के कारण क्या होता है कि ब्लड का पीएच कम होने लगता है, जिससे कि ब्लड थोड़ा एसिडिक होने लगता है और यह एसिडिक होगा तो बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और ये यूरिक एसिड बॉडी में जगह जगह कलेक्ट हो जाता है। यदि जॉइंट में कलेक्ट हुआ यूरिक एसिड तो उसे आर्थराइटिस कहेंगे और ऐसे ही जब सब जगह इकट्ठा हो जाता है यूरिक एसिड तो ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम ये सब बॉडी में हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे 5 टॉपिक्स के बारे में जिनको किसी भी डिटॉक्स ड्रिंक को लेने के पहले जानना जरूरी है। उसमें नंबर 1 पे ये होता है कि कौन से मौसम में कौन सा डिटॉक्स ड्रिंक लें कि हमें रिजल्ट अच्छे मिले। नंबर 2, हम डिटॉक्स ड्रिंक लेने में ऐसे क्या गलती करते हैं कि जिससे उसके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। नंबर 3, जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी भी ड्रिंक में डालने वाले पदार्थ की मात्रा, क्योंकि किसी भी कंटेंट की मेडिसिनल प्रॉपर्टी अपना 100% रिजल्ट तभी देती है जब उसको उचित मात्रा में डाला जाए। नंबर 4 होता है कि किसी भी डिटॉक्स को बनाने का और लेने का तरीका, कोई भी डिटॉक्स ड्रिंक कितना भी हेल्दी हो यदि उसको बनाने का तरीका कॉम्प्लिकेटेड होता है तो लोग यूज नहीं करते हैं। नंबर 5, जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैं आपको लॉजिकली और साइंटिफिक रीजनिंग के साथ समझाने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डिटॉक्स क्या होते हैं और डिटॉक्स लेना हमारे शरीर के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि समर में कौन कौन से डिटॉक्स ड्रिंक्स लिए जाने चाहिए जिससे हमारी बॉडी को हेल्प मिले उसके टॉक्सिन्स को निकालने में। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, माई चैनल। थैंक यू।